आज हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बदल रही है। वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, फिर क्षेत्र चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर विज्ञान ही क्यों ना हो। सभी की महत्वाकांक्षाएं आज उड़ान भरना चाहती है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का हक रखती हैं। ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि हर एक सपने को पूरा करने के लिए आपको जरूरत होती है पैसे की। वो पैसा मांगने के लिए आज महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं करती। अधिकतर महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके अलावा अगर देखें तो समाज में महिलाएं बच्चों के पालन पोषण, उनके जन्म और सभी जिम्मेदारियां खुद से निभा रही हैं, और इसीलिए उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। महिलाओं को बाहर की दुनिया और घर की दुनिया के बीच में तालमेल बिठाने के साथ साथ तमाम वो काम भी करने हैं जो वो करना चाहती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ जहां महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वहीं उनकी समाज में भूमिकाएं भी बढ़ जाती हैं। और ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने लिए कुछ अहम पल ढूंढ सके खुशी के, और ऐसा करते हुए उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले 10 सालों के अंदर 25 से 30 वर्षीय तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 50% तक बढ़ी है। मगर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इसी दौरान 50 वर्ष से अधिक उम्र वाली तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 2 गुना तक बढ़ी है। इनमें से सिर्फ 1/3 लेडीज ने ही फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू अपने फ्यूचर को सिक्योर किया था। इसका मतलब ये है कि तलाक लेने वाली हर 3 में से 2 महिलाएं किसी और पर निर्भर है, और ऐसे में अगर उनकी सहायता ना की जाए तो उनका भविष्य अंधकार में है। ऑन एन एवरेज महिलाएं सोशली और इकोनॉमिकली पुरुषों जितनी स्ट्रांग नहीं है, और इसी वजह से शायद उनके पास ऐच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प भी बहुत कम होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार के दबाव में उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। बच्चों या परिवार की जिम्मेदारी के नाम पर 50 के पार होते ही महिलाओं को अपना कामकाज छोड़ना पड़ता है। ये तस्वीर इस हकीकत को बयान करती है कि जब महिलाएं अधिक कमाई और अधिक बचत कर सकती हैं तो क्यों उन्हें काम छोड़ना पड़ता है और भविष्य में किसी पर निर्भर होना पड़ता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सुरक्षा का ढांचा काफी कमजोर है, लेकिन इस स्थिति को बराबर होने में काफी समय लग सकता है। इसी वजह से आज जरूरत है महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, और उन्हें निवेश के प्रति भी सजग होने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का करियर 5 से 7 साल तक कम हो सकता है। इसके अलावा उनकी सैलरी में भी भारी फर्क होता है। महिलाओं के इस नुकसान का गणित समझने और उसका हिसाब लगा पाने में शायद हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन समय शायद किसी का इंतजार नहीं करता। ट्रेजेडीज कब आपके सामने किस रूप में आएंगी ये आप नहीं जानते, इसीलिए आपको आज से ही उनके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके अलावा समाज में उन महिलाओं की गिनती भी बहुत ज्यादा है जो कामकाजी ही नहीं है। ऐसे में अगर उनके पति गुजर जाएं तो उनके लिए पालन पोषण करना खुद का और बच्चों का बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। समानता के विषय में कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में ही नहीं बल्कि घर में भी बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। तमाम कानूनों के होने के बावजूद आज तक महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझना चाहिए कि वो अपना सहारा खुद ही है, और जब खुद का ही सहारा बनने की बात आती है तो महिलाओं को एक ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए, एक ऐसे काम को चुनना चाहिए जिसकी बागडोर उनके ही हाथ में हो, जिसे वो अपने समय के अनुसार कर सके, वो भी पूरी निष्ठा के साथ। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बेहतर विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बिजनेस ही करना है तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? लेकिन इसका भी जवाब आप उन्हें दे सकते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पहले उसे सीखना होता है, उसे शुरू कैसे करें और शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट करें,
प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होगा भी या नहीं, सेल्स कितनी आएंगी, उनकी सेल कैसे कर सकते हैं, ऑफिस कहाँ हो सकता है, उसका रेंट कितना होगा। लेकिन आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि आपको बिजनेस कैसे करना होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके साथ हमेशा आपके अपलाइन रहते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि अब आपको अगले स्टेप पर चढ़ने के लिए किस तरह से पैर उठाना है और कौन सा पैर पहले उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टेशनरी शॉप खोलना चाहते हैं और आपके ही एरिया में किसी और ने भी स्टेशनरी शॉप खोली हुई है, तो ऑब्वियसली आप उससे थोड़ा ज्ञान तो जरूर लेना चाहेंगे। अब मान लीजिए आप उनके पास गए और आप उनसे पूछते हैं, भाई आप एक महीने के अंदर कितना कमा लेते हैं, आपने शुरुआत कैसे की थी, आपको ये शॉप कैसे मिली, अगर मुझे शुरू करना है तो मैं कहाँ से करूँ। तो ये सब बताने के बजाय वो आपको कुछ अच्छे प्रवचन सुना के ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है और तुम इसे नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका कॉम्पिटिटर वो खुद ही लाके मार्केट में खड़ा कर दे जिससे उनकी कमाई कम हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है जो कि एथिक्स के साथ किया जाता है। कुछ गलत लोगों को अगर साइड कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे जो सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं उन्हें बिजनेस बिल्ड करने में। अगर कोई भी महिला किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करे और ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और एथिकली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो उनके साथ अपना सुनहरा भविष्य देख सकती है। वो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स नोटिस कर सकती है, कुछ ऐसी चीजें नोटिस कर सकती है जिससे उन्हें इस बिजनेस को बिल्ड करने में मदद मिलेगी। जैसे कि आप नोटिस करेंगे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि एक नेक्स्ट लेवल पर होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई होंगी, आप अपनी ड्रेसिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई भी महिला किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करे और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करे जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या फिर इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों के साथ आप अपना भविष्य सिक्योर समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहते हुए आप खुद के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो आपको आपका बिजनेस बिल्ड करने में मददगार साबित होंगी। एक ऐसी महिला जिसे अभी तक कुछ नहीं पता था, वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस को नोटिस कर सकती है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप सीखने के इच्छुक हैं। तो आप नोटिस करेंगे खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो कि नेक्स्ट लेवल का होगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कुछ यूनिक सेलिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको सिखाकर ही कोई ऊपर उठ सकता है, आपकी ग्रोथ के बाद ही आपके अपलाइन की ग्रोथ होती है, मतलब सबका साथ सबका विकास। इसीलिए तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिससे आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं और इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। डू वन स्मॉल थिंग एवरी डे टू रीच योर गोल, अर्थात हर एक दिन एक ऐसा काम जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य के नजदीक लेकर जाए। मतलब ये है कि आपको डेली खुद के अंदर 1% तक इम्प्रूवमेंट लाना होगा ताकि आप साल के अंत में खुद के अंदर 365% तक चेंजेस को नोटिस कर पाए और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट्स देख पाए। इस वीडियो को हर एक उस महिला के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिसे आप फाइनेंशियली सिक्योर देखना चाहते हैं। दिस इज दिव्या फ्रॉम Tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।